हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन। ओके, कोलिजन को फिजिक्स में डिफाइन कैसे किया हुआ है। कोलिजन इज एन इवेंट इन विच स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और मोर पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो दैट द एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस। ओके, अब हिंदी में इसको समझाता हूं मैं। कोलिजन यानी क्या है? ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स लगते हैं बहुत कम समय के लिए। ओके, बहुत ज्यादा फोर्स लेकिन बहुत कम समय के लिए, जिसके वजह से उन बॉडीज का, पार्टिकल्स का एनर्जी और मोमेंटम चेंज होता है। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। ओके, सो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, so that event, that phenomenon is known as collision। okay, now collision के अंदर सबसे important part क्या है कि जो external forces होते हैं, external forces जैसे कि जिसका example हो गया gravitational force, okay, या frictional force, ये negligible होते हैं, इनका effect नहीं होता है, they have negligible इफेक्ट। व्हाई? ये रीजन, क्योंकि समय बहुत कम है ना, उतने कम समय में ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकते, मतलब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। और नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यहां पे जो मोमेंटम है वो क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा या फिर कॉन्स्टेंट रहेगा। सो ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूर लगाते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोलिजन में हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना ही पड़ता है। ओके, सो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाएंगे कि एनर्जी भी कंजर्व होगी। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पार्ट लेक्चर, दैट कोलिजन का, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझने के लिए एक सिस्टम कंसिडर करेंगे हम लोग। ये दो मासेस है m1 m2 मास के, ओके, दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, u1 और u2 वेलोसिटी, ये उनके इनिशियल वेलोसिटी हो, ठीक है, इनका कोलिजन हो गया। ओके, कोलिजन तो तभी होगा ना जब u1 ग्रेटर देन u2 रहेगा, है कि नहीं? स्वाभाविक सा बात है, वो पीछे चल रहा है तो उसका वेलोसिटी जब ज्यादा रहेगा तभी तो कोलिजन होगा ना। अगर इसका वेलोसिटी कम है तो कभी जिंदगी में कोलाइड नहीं करेगा ये। ठीक है, u1 इज ग्रेटर देन u2 है और इनका कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद में m1 का वेलोसिटी बन गया v1 और m2 का वेलोसिटी बन गया v2। ठीक है, सिचुएशन समझ में आया? ओके, नाउ यहां पे हम लोगों ने एक डिफाइन किया है velocity of approach, velocity of approach, okay, velocity of approach is defined as difference between the velocities, initial velocities, या velocities before collision का difference, okay, यहाँ पे अपन ने define किया velocity of separation, okay, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सवाल है कोलिजन के बाद में अब वो सामने वाला बहुत ज्यादा स्पीड से आगे निकलेंगे और इसकी स्पीड कम हो जाएंगी तो अब वो सेपरेट होते जाएंगे। सो इस केस में v2 ज्यादा रहेगा, v1 कम रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज डिफाइंड एज v2 माइनस v1। ओके, सो हमारे पास में दो वेलोसिटीज आ गई, एक आ गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 और दूसरी आ गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, that is v2 minus v1। now coefficient of restitution physics में define होता है velocity of separation upon velocity of approach, this is how you define coefficient of restitution। coefficient of restitution is defined as the ratio of velocity of separation of the two objects to velocity of approach। okay, so सभी को concept समझ में आए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के तीन वैल्यूज रह सकते हैं, एक हो सकता है 1, एक हो सकता है 0 to 1
और एक हो सकता है L0। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी का ध्यान में रख लो कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 रहता है तो इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहेंगे, ना ही 0 ना ही 1, उसके बीच में 0.9, 0.99 भी चलेगा, 0.5 भी चलेगा, 0.4 भी चलेगा, 0 और 1 नहीं, तो दैट इज नोन एज इनइलास्टिक कोलिशन। एंड अगर वेलोसिटी सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है तो दैट इज नोन एज कंप्लीटली ओके और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन। ओके, इन सभी के बारे में हम लोग शॉर्ट में अभी पढ़ेंगे और आगे के लेक्चर्स में डिटेल डिटेल में पढ़ेंगे हर एक में क्या होता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, व्हिच इज लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, लेक्चर का लास्ट पार्ट है। ओके, व्हाट आर द टाइप्स, इसके टाइप्स कोलिशन के, सबसे पहला जो टाइप है दैट यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, नाउ इफ ई इज इक्वल टू 1, इफ ई इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, एंड इफ ई इज इक्वल टू 0, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ई 1 होता है दैट कोलिशन इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, इफ ई इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 देन इट इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिशन, एंड इफ ई इज इक्वल टू 0 दैट इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन। ओके, नाउ इसकी खास बात क्या होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड। ओके, या फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0, या फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन। ये तीनों बातें ध्यान में रखना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन वो है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, या फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन। ओके, आई डिडंट टॉक अबाउट टोटल एनर्जी या लॉ ऑफ मोमेंटम की बात मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात किया। ओके, अब इन दोनों केस में देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे देयर इज मोर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन की खास बात है, यहां पे आफ्टर कोलिशन बॉडीज स्टिक टुगेदर और moves with constant velocity, ध्यान में रखना। कॉलिजन के बाद में दोनों बॉडीज चिपक के मूव करेगी, यानी ये दो बॉडीज आई और कॉलिजन हुआ और ये चिपक के आगे बढ़ गई। ओके, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेंगी ना, अगर दोनों स्टिक हो गई टूगेदर और आगे बढ़ने लगी तो मतलब दोनों का वेलोसिटी कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा ना। सो ये खास बात है किसकी, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहां पे देयर विल बी मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रियल लाइफ कोलिजन सारे इन इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखने नहीं मिलेंगे, कुछ जगह पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये अभी का लिख के रखना है, अपने नोट डाउन करके रखना है, हम लोग आगे ये काम में आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, डिटेल लेक्चर्स है हर एक के बारे में। ओके, नाउ There are also two types of collision. One is known as one dimension or head-on collision. और दूसरा है oblique collision. Okay. अब one dimension और head-on collision elastic head-on collision का मतलब क्या है? कि before and after the direction of the velocities will not change. इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडीज है, ओके, कॉलिजन के बाद में भी दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रही है, मतलब इधर इस केस में भी दोनों का डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर ही था, मतलब एक ही डायरेक्शन में,
यानी कोई किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट इज हेड ऑन कोलिजन। ओके, ऑब्लिक कोलिजन कैसे है? सपोज ये दो बॉडीज हैं, ये थोड़ा सा इसका एक्सिस, दोनों के सेंटर्स अलग अलग लाइन पे। ओके, अब अगर इनका कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद में क्या होगा कि एक बॉडी इधर जाएगी और एक बॉडी इधर जाएगी, समझ रहे हो, है ना? तो अगर इनका कोलिजन होता है, सपोज ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, और इनका कोलिजन हुआ तो दोनों ऐसे रहेंगे। इसके एग्जांपल्स काफी देखे होंगे आपने, स्ट्राइक कैरम में, कैरम में जब आप बीच में रख के पॉकेट में अगर क्विंट डालते, जैसे हम लोग यहाँ पे बीच में होता है, यहाँ से हम लोग मारते ना, ऐसा मारते और ये इधर जाती है और ये इधर चल जाएगी, ये वाली जो पग जो बोलते हैं ना उसको, तो वो जो है वो इधर चल जाएगा और जो दूसरा जो पक रहता है वो दूसरे साइड चल जाता है। तो कैरम के कोलिशन आर ऑब्लिक कोलिशन, है ना? अगर आप स्ट्रेट मार रहे हो कैरम में, अगर आप स्ट्रेट मार रहे हो, एग्जैक्ट इसको ऐसा मार रहे हो, तो कौन सा कोलिशन हो गया? वो हेड ऑन। हेड ऑन यानी एक के पीछे सामने, आमने सामने के कोलिशन, दोज आर हेड ऑन। लेकिन मतलब इसमें क्या होता है, कोलिशन के पहले और कोलिशन के बाद में डायरेक्शन नहीं बदलती है, लेकिन ऐसा कोलिशन हुआ और ये दोनों ऐसे चले गए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, तो दोज आर नोन एज ऑब्लिक कोलिशन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोलिशन। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलास्टिक हेड ऑन कोलिशन के बारे में। दैट्स इट।